नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सही पे के बारे में बताने वाला हूँ कि सही पे क्या है, सही पे में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है, और सही पे का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, सही पे का आईडी आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको सही पे के बारे में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सही पे क्या है। तो सही पे एक पोर्टल है जिसमें कि आपको 15 से 16 अलग अलग सर्विसेज मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि सही पे में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है, या फिर सही पे पोर्टल में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है। तो सबसे पहले आपको सही पे पोर्टल में AEPS का सर्विस मिल जाता है, मतलब कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जिससे कि आप कस्टमर्स के आधार नंबर के जरिए किसी भी बैंक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं या फिर किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो सही पे पोर्टल में आपको सबसे पहला EPS का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में दूसरा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में माइक्रो ATM मिनी ATM का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप किसी भी बैंक के ATM कार्ड के जरिए कैश विड्रॉल कर सकते हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दूसरा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में माइक्रो ATM मिनी ATM का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में तीसरा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में मनी ट्रांसफर का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर और IFSC कोड के जरिए मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो तीसरा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में मनी ट्रांसफर का सर्विस भी मिल जाता है। उसके बाद में चौथा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर का सर्विस भी मिल जाता है। तो सही पे पोर्टल के जरिए आप इंडो नेपाल भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो चौथा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में पांचवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में ICICI बैंक का कैश डिपॉजिट का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप ICICI बैंक में जिन भी कस्टमर्स का अकाउंट है तो उन अकाउंट्स में आप आधार नंबर के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो पांचवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में ICICI बैंक का कैश डिपॉजिट का सर्विस आपको मिल जाता है। उसके बाद में छठा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में ICICI बैंक का मिनी स्टेटमेंट का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि ICICI बैंक का मिनी स्टेटमेंट आप सही पे पोर्टल से निकाल सकते हो। तो छठा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में ICICI बैंक का मिनी स्टेटमेंट का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में सातवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप किसी भी ऑपरेटर का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो और किसी भी कंपनी का DTH का रिचार्ज कर सकते हो। तो सातवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज का सर्विस भी मिल जाता है। उसके बाद में आठवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में बिल पेमेंट्स का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद में वाटर बिल, उसके बाद में पोस्टपेड बिल, उसके बाद में ब्रॉडबैंड बिल, लाइट बिल, उसके बाद में गैस बिल, इन सारे तरीके के बिल पेमेंट्स आप सही पे पोर्टल से कर सकते हो। तो आठवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में बिल पेमेंट्स का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में नौवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में पैन कार्ड का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप नया पैन कार्ड बना सकते हो या फिर पुराने पैन कार्ड में कोई करेक्शन या फिर सुधार अगर से करना है तो आप सही पे पोर्टल के जरिए कर सकते हो। तो नौवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में पैन कार्ड का सर्विस भी मिल जाता है। उसके बाद में दसवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में टिकट बुकिंग का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप बस का टिकट और फ्लाइट का टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो दसवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में टिकट बुकिंग का सर्विस भी मिल जाता है। उसके बाद में ग्यारहवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में होटल बुकिंग्स का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप होटल्स का बुकिंग कर सकते हो। तो ग्यारहवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में होटल बुकिंग्स का सर्विस भी मिल जाता है। उसके बाद में बारहवा सर्विस आपको सही पे पोर्टल में बजाज बाइक का लोन का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर्स को बजाज का बाइक अगर से लेना है तो लोन का प्रोसेस आप कस्टमर्स को करके दे सकते हो, या फिर किसी को अगर से बजाज का बाइक अगर से लोन पर फाइनेंस पर अगर से लेना है
तो सही पे पोर्टल पर आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में बजाज की ओर से उस कस्टमर को कॉल जाएगा और उस कस्टमर को फाइनेंस की तौर पर बजाज का बाइक मिल जाएगा। तो 12वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में बजाज बाइक का लोन का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में 13वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर्स को लाइफ का इंश्योरेंस करा कर दे सकते हो और जनरल इंश्योरेंस भी करा के दे सकते हो। तो 13वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में 14वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में अमेजोन का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर्स का नया अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हो। उसके बाद में आप सही पे पोर्टल के जरिए अमेजोन का हर वो प्रोडक्ट आप बाय करके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो, उस पर आपको 8-9% का कमीशन मिलेगा। तो 14वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में अमेजोन का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में 15वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में कैश कलेक्शन और ईएमआई कलेक्शन का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कैश कलेक्शन कर सकते हो और ईएमआई का कलेक्शन भी कर सकते हो। तो 15वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में कैश कलेक्शन और ईएमआई का कलेक्शन का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में 16वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में यूपीआई के थ्रू, भारत क्यूआर कोड के थ्रू, आधार पे के थ्रू और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप आधार पे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। उसके बाद में 16वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में यूपीआई के थ्रू, भारत क्यूआर कोड के थ्रू, आधार पे के थ्रू, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर से यूपीआई के थ्रू, भारत क्यूआर कोड के थ्रू और आधार पे के थ्रू, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कस्टमर से आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 16वां सर्विस आपको सही पे पोर्टल में यूपीआई के थ्रू, भारत क्यूआर कोड के थ्रू, आधार पे के थ्रू, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का सर्विस मिल जाता है। तो टोटल आपको सही पे पोर्टल में यह 16 सर्विसेज मिल जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सही पे पोर्टल में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है। तो सही पे पोर्टल में आपको यह टोटल 16 सर्विसेज मिलती है, लेकिन जो मैंने अभी आपको टोटल 16 सर्विसेज बताई है सही पे पोर्टल की, लेकिन इसमें से कुछ सर्विसेज अभी सही पे पोर्टल पर लाइव नहीं है, कुछ सर्विसेज अभी सही पे पोर्टल पर अपकमिंग सर्विसेज है, मतलब कि नई सर्विसेज सही पे पोर्टल में आने वाली है। कुछ ही दिनों में 3-4 सर्विसेज सही पे पोर्टल में लाइव हो जाएगी। तो टोटल अभी के टाइम पर 11-12 सर्विसेज सही पे पोर्टल में लाइव है, उन सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो। सिर्फ 3-4 सर्विसेज ही अपकमिंग सर्विसेज है, कुछ दिनों में वह सर्विसेज भी सही पे पोर्टल में लाइव हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से सही पे पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप सही पे पोर्टल का आईडी ले सकते हैं। तो सही पे पोर्टल का आईडी अगर से आप लेना चाहते हैं तो आईडी का कॉस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ गिरेगा, मतलब कि आपको सही पे पोर्टल का आईडी 500 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें कि आपको यह टोटल 16 सर्विसेज मिल जाएगी। तो आप अगर से सही पे पोर्टल का रजिस्ट्रेशन अगर से करना चाहते हैं, आप अगर से सही पे पोर्टल का आईडी अगर से लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके सही पे पोर्टल का आईडी 500 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सही पे क्या है, सही पे पोर्टल में कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है, और सही पे का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, सही पे पोर्टल का आईडी आप किस तरीके से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल।